मूवी की स्टार्टिंग होती है सन 2042 में, जहां टेक कंपनी बबल का सीईओ मार्क अपना एक नया इन्वेंचर रिवील करने वाला है। पता चलता है कि ये एक रोबोट है जिसे वो बीबॉट बुलाता है, और इसकी मदद से वो हर बच्चे को डिजिटल फ्रेंड देना चाहता है। बीबॉट असल में एक प्राइवेट असिस्टेंट की तरह है जो अपने मालिक को पहचान कर उनके मुताबिक ही काम करता है, और इसका सबसे स्पेशल फीचर है इसका फ्रेंडशिप कोड, जिसकी मदद से ये अपने मालिक को चूज कर सकता है। जल्दी ही उनका ये प्रोडक्ट फेमस हो जाता है, और हम देखते हैं कि टाउन में हर बच्चे के पास अपना बीबॉट है। आगे हम एक ऐसे लड़के को देखते हैं जिसका अभी तक ये सपना पूरा नहीं हुआ है, और इसका नाम बार्नी है। बीबॉट ना होने की वजह से बार्नी खुद को बहुत अनलक्की समझता है, और इसी वजह से उसका कोई फ्रेंड नहीं है। स्कूल में भी देखते हैं कि सब लोग अपने अपने बीबॉट के साथ बिजी होते हैं। वो सोचता है कि काश मुझे भी एक बीबॉट मिल जाए। उसकी टीचर को भी लगता है कि ये शायद अकेला फील कर रहा है, और वो फ्रेंड बनाने के लिए उसे एक बड़े बेंच पे बैठा देती है। बच्चे ये देखकर उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, और परेशान होकर बर्नी अपने घर चला जाता है, जहाँ अपने डैड ग्राहम और दादी डोंगा के साथ रहता है। उसके डैड का छोटा सा एक ऑनलाइन स्टोर है। वहीं पता चलता है कि बर्नी का आज बर्थडे है, और उसने एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए किसी भी बच्चे को इनवाइट नहीं किया है। उसके डैड उसके लिए गिफ्ट लेने जाते हैं, और बार्नी विश करता है कि काश एक बीबॉट हो, लेकिन देखता है कि ये तो बस एक टूल सेट है। बार्नी को भी पता है कि उसके डैड बीबॉट अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसीलिए वो कभी जीत नहीं करता है। तभी अचानक डोरबेल बजती है, और वो देखता है कि बाहर उसके लिए एक बीबॉट रखा है। एक्साइटेड होकर उसकी रैपर को हटाता है, लेकिन देखता है ये तो एक पत्थर है। पता चलता है कि ये सब एक रिच नाम के लड़के का प्रैंक है। उसके डैड देखते हैं इससे बार्नी बहुत उदास हो गया है। वो तुरंत दादी को लेकर बीबॉट खरीदने जाते हैं ताकि बर्थडे गिफ्ट दे सके, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही स्टोर बंद हो जाता है। तभी ग्राहम की नजर एक डिलीवरी वैन पे पड़ती है, उससे ऐसा बीबॉट खरीद लेते हैं जो थोड़ा सा डैमेज है। बार्नी भी अपने बीबॉट को पाकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसके बहुत ट्राई करने पर भी वो एक्टिवेट नहीं होता है। बीबॉट बार बार बबल नेटवर्क से कनेक्ट करने को कहता है, फाइनली उसे ऑन कर लेता है, लेकिन देखता है कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, और बिना बबल नेटवर्क से कनेक्ट किए इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। बीबॉट भी उसकी कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता है। बर्नी उसे चार्जिंग पे लगाकर अकेले ही स्कूल चला जाता है। वहाँ वो बच्चों को अपने बीबॉट के बारे में बताता है, और फिर बाकी सबकी तरह स्टैंड पर स्टिकर लगा देता है। शाम को घर आने पर अपने रूम को पूरा तहस नहस पाता है, और देखता है कि बीबॉट दादी के साथ डांस कर रहा है। वो बीबॉट से अपने रूम के बारे में पूछता है। बीबॉट बोलता है कि मैं तो बस उसे अच्छे से सजाने की कोशिश कर रहा था। बार्नी उससे परेशान होकर उसे एक्सचेंज करने को जाता है, जहां रास्ते में उसका सामना रिच और उसके दोस्तों से होता है। रिच उन्हें तंग करने के लिए वो बीबॉट को हिट करता है, लेकिन बीबॉट भी पलटकर उस पर अटैक करने लगता है, और ये देखकर उन सबको बहुत हैरानी होती है, क्योंकि अटैक करना बीबॉट के प्रोग्राम में नहीं है। बार्नी को ये सब बहुत पसंद आता है, लेकिन प्रॉब्लम से बचने के लिए वो अपने बीबॉट को लेकर भाग जाता है। वहीं बीबॉट उसे बताता है कि बबल नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होने के कारण सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट नहीं है, और बर्नी को लगता है कि शायद उसे एक्सचेंज नहीं करना चाहिए। तभी रीच के कंप्लेंट पर ऑफिसर आ जाता है, और वो लोग बीबॉट को बबल स्टोर में ले आते हैं। वहाँ वो ऑफिसर स्टाफ को इसे क्रश करने को कहता है, क्योंकि उसे डर है इसके वजह से बच्चे घायल हो सकते हैं। बार्नी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन स्टाफ देखता है कि ये एक इलीगल बीबॉट है, और वो उसे क्रशिंग मशीन में भेज देते हैं। बार्नी उसे बचाने जाता है, किसी तरह वहाँ से निकलकर स्टोर में बने ग्राउंड में छुप जाता है। वहाँ एक ब्लैंक बीबॉट को देखता है, उसे एक आइडिया आता है, और वो प्लेग्राउंड से बाहर आ जाता है। स्टाफ उसके बीबॉट को क्रश कर देते हैं, लेकिन पता चलता है बार्नी ने उसे पहले ही रिप्लेस कर दिया था। वो उससे वादा करता है, मैं तुम्हें परफेक्ट फ्रेंड बनाऊंगा, और उसका मॉडल नंबर देखकर उसका नाम रॉन रख देता है। इधर बबल 100 मिलियन का सेल कंप्लीट कर लेता है, और एक इंटरव्यू में मार्क बताता है इसे वो बच्चों को बेहतर फ्यूचर देना चाहता है। यहीं हम उसके पार्टनर एंड्रू को देखते हैं, जिसे इन कामों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो तो बस ज्यादा से ज्यादा बीबॉट को बेचकर प्रॉफिट कमाना चाहता है। तभी रिपोर्टर उनसे उस बीबॉट के बारे में पूछती है जिसने रीच को घायल किया है। ये न्यूज़ सुनकर वो दोनों थोड़ा परेशान हो जाते हैं। वो लोग उसके वीडियो देखते हैं। स्टाफ उन्हें बताते हैं कि हमने इस बीबॉट को क्रश कर दिया है। एंड्रू ये सुनकर रिलैक्स फील करता है, लेकिन मार्क उसके प्रोग्रामिंग को चेक करना चाहता था ताकि उसके अलग होने का कारण का पता लगा सके। इधर बार्नी रॉन को ट्रेनिंग देना शुरू करता है, और मैनुअली सारे इन्फॉर्मेशन को अपलोड कर लेता है। वो उसे दिखाता है कि बाकी सारे बीबॉट कैसे बिहेव करते हैं, और उसे भी उनकी तरह कलर करके यूज करने लगता है। जल्दी ही वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और रॉन भी उसके पसंद नापसंद को समझने लगता है। एक दिन ऐसे ही मस्ती करते हुए रॉन पहाड़ी से फिसल कर नीचे बने घर में गिर जाता है, और पता चलता है कि ये बार्नी की क्लासमेट श्वेना की घर है। श्वेना भी रीच की तरह बार्नी की बचपन की फ्रेंड थी, लेकिन बीबॉट मिलने के बाद से वो उसे ज्यादा भाव नहीं देते थे। वो उसके अजीब से बीबॉट को देखकर बहुत हैरान होती है, लेकिन फिर भी अपने बीबॉट का दोस्त बनने को बोलती है।
बार्नी उसे समझाता है कि रोन ये सब नहीं कर सकता, लेकिन स्वेना कहती है फ्रेंड बनाना तो बीबोर्ड का सबसे जरूरी काम है। ये बात रोन के दिमाग में आ जाता है। बार्नी स्वेना से प्रॉमिस लेता है वो रोन के बारे में किसी को नहीं बताएगी। वो वहाँ से चला जाता है। रात को रोन भी बार्नी से उसके फ्रेंड के बारे में पूछता है, लेकिन बार्नी कहता है कि उसे यहाँ कोई पसंद नहीं करता और इसीलिए उसका कोई दोस्त नहीं है। इधर एंड्रू को स्वेना का एक वीडियो से रोन का पता चल जाता है और वो अपने लोगों से उसे ढूंढने को कहता है। मार्क भी उसके और बार्नी का फोटो देखता है और बताता है कि उसने बी बोर्ड को हंसने के लिए प्रोग्राम नहीं किया था। वो यहाँ लाकर चेक करने को कहता है और उनके लोग उसे वापस लेने के लिए निकल जाते हैं। बार्नी रोन को शेड में रहने को कहकर स्कूल चला जाता है, लेकिन रोन स्वेना की बात मानकर बार्नी के लिए दोस्त ढूंढने निकल जाता है। उन लोगों को बार्नी के दोस्त बनने को कहता है। उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट और पोस्टर पूरे शहर में चिपका देता है। फिर वो बार्नी से मिलने स्कूल जाता है और दिखाता है कि उसके लिए कुछ दोस्त लाया है। टीचर ये सब देखकर उसे प्रिंसिपल के पास चलने को कहता है और पीछे रीच उसके बी बोर्ड के सेटिंग को देख लेता है। उनके बी बोर्ड भी रोन के सेटिंग को कॉपी कर लेते हैं। वहाँ मौजूद सारी बी बोर्ड की सेफ्टी सिस्टम चेंज हो जाता है। जल्दी ही वहाँ तबाही मचने लगती है और रिच बी बोर्ड को मिलाकर एक बड़ा सा मंकी बना लेता है। फिर बी बोर्ड से एक जॉम्बी का रूप बनाकर स्वेना को निगल जाता है और उसकी ये वीडियो हर जगह वायरल हो जाती है। इधर मार्क और एंड्रू को भी पता चल जाता है। मार्क तुरंत सेफ्टी कोड डालकर उन्हें डीएक्टिवेट कर देता है। बार्नी रोन को ये सब का जिम्मेदार मानकर उसे खुद से दूर जाने को कहता है और उधर एंड्रू का लोग उसके घर पहुंच जाते हैं। बार्नी उनसे बचता हुआ अपने साइड में आता है और देखता है कि रोन खुद को उनके हवाले करने का सोच रहा है। बार्नी उसे माफी मांगता है और कहता है कि अब से वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। तभी बबल के लोग सेट तक पहुंच जाते हैं और बार्नी उसे रोन को बचाकर वहां से भाग जाता है। रास्ते में फिर एक बार स्वेना मिलती है जो अपने वीडियो वायरल होने की वजह से दुखी थी और एक बार चुप रहने को बोलकर जंगल की ओर निकल जाता है। वो दोनों जंगल में बने एक शेड में रात गुजारते हैं, जहां बार्नी बताता है कि मेरे मॉम के जाने के बाद मैं बहुत अकेला फील करता हूं। रोन उसे यकीन दिलाता है कि वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। उधर बार्नी के डैड और दादी उसके बारे में स्वेना से पूछने जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं बताती है। उसके डैड को लगता है कि शायद वो बार्नी को अच्छे से नहीं समझ पाया। स्कूल में स्वेना रिच को बताती है कि बार्नी हमारी वजह से मुसीबत में फंसा है, हमें उसकी मदद करनी होगी। एंड्रू भी बीबोट में लगे कैमरों से उसे सुन लेता है। बार्नी और रोन को पकड़ने के लिए टॉन के सभी बीबोट को जंगल की तरफ भेज देता है। मार्क को भी उनकी लोकेशन मिल जाती है और वो समझ जाता है कि उसे एंड्रू से पहले उन तक पहुंचना होगा। इधर जंगल में रोन की बैटरी खत्म हो जाती है। बार्नी को कुछ समझ नहीं आता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे वो बीबोर्ड दिखाई देते हैं जो लेजर से उन्हें ढूंढ रहे थे और उनसे बचकर भागते हुए वहीं गड्ढे में गिर जाता है। एंड्रू भी उन्हें कैमरे पर देख लेता है, लेकिन अपने लोगों से ये बात छुपाकर उन्हें ये खोज बंद करने को कहता है ताकि रोन और बार्नी हमेशा के लिए जंगल में ही गुम हो जाए। सभी बीबोर्ड वापस टाउन की तरफ चले जाते हैं और इधर बार्नी के अस्थमा होने की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। ये देखकर रोन अपनी बची हुई पावर यूज करता है, बार्नी को उठाकर टाउन की तरफ ले आता है। स्वेना भी उन्हें आते हुए देख लेती है और रिच और दूसरे दोस्तों के साथ उसकी मदद करने को जाती है। जल्दी ही मार्क और बार्नी के डैड वहां आ जाते हैं और मेडिकल टीम बुलाकर उसकी मदद करने लगते हैं। एंड्रू भी देखता है उस बीबोर्ड को लोग हीरो समझ रहे हैं। उसे लगता है कि शायद इससे उसकी सेल और बढ़ सकती है। इधर हॉस्पिटल में मार्क बार्नी से मिलने आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे बीबोर्ड को फिर से ठीक कर दिया है। बार्नी देखता है कि रोन अब पहले जैसा नहीं है और वो मार्क से इसमें पुराने कोड डालने को कहता है। पता चलता है कि वो कोड बबल के क्लाउड सर्वर में है, लेकिन एंड्रू ने मार्क को कंपनी से निकालकर उसके एक्सेस को लॉक कर दिया है और वो लोग हेडक्वार्टर में जाकर रोन को फिक्स करने का प्लान बनाते हैं। इधर एंड्रू जो नया सीईओ बन चुका है पब्लिक के साथ एक मीटिंग रखता है ताकि उन्हें समझा सके कि बी बोर्ड पहले की तरह ही सेफ है। यही मार्क के प्लान के अकॉर्डिंग दादी और डैड मिलकर उन सबको अंदर ले आते हैं और मार्क अपने रोबोट की मदद से रोन और बार्नी को एक सर्वर रूम में पहुंचा देता है। एंड्रू को भी इसका पता चल जाता है। वो सिक्योरिटी से तुरंत उन्हें रोकने को कहता है। बार्नी किसी तरह यहाँ उसका पुराना कोड ढूंढ निकालता है। उसकी मदद से रोन फिर से पहले जैसा बन जाता है। मार्क भी नोटिस करता है कि रोन उसके कोड पर नहीं बल्कि बार्नी के दिए गए इंस्ट्रक्शन पर काम करता है। ये देखकर उसे बहुत हैरानी होती है। इधर रोन और बार्नी देखते हैं कि बी बोर्ड होने के बावजूद भी बच्चे अंदर से खुश नहीं है और एंड्रू बी बोर्ड के थ्रू उनकी जासूसी कर रहा है। वो मार्क की मदद से रोन के कोड को बाकी बी बोर्ड में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्क देखता है इससे रोन हमेशा के लिए डीएक्टिवेट हो जाएगा। बार्नी भी अपना मन बदलकर रोन को वापस चलने को कहता है, लेकिन रोन के समझाने पर वो कोड शेयर करने को रेडी हो जाता है। उसके बटन दबाते ही मार्क का कोड रोन के कोड से मिक्स हो जाता है और सभी बी बोर्ड के कोड अपडेट हो जाते हैं।
तभी सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है और एंड्रू को लगता है कि सब ठीक हो गया है। वो एक बार फिर मीटिंग में जाता है जहां मार्क उसे वो वीडियो दिखाता है जहां प्रॉफिट के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और खुद को बचाने के लिए एंड्रू मार्क को फिर से सीईओ बना देता है। लास्ट की सीन 3 मंथ के बाद की है जहां बच्चे अपने बी बोर्ड के साथ एंजॉय कर रहे हैं। बार्नी को भी वो दोस्त मिल जाते हैं जैसा वो चाहता था। यही हम बबल टावर पर रॉन की स्माइल देखते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।